पौड़ी जिले की बिल केदार रोडखंड खाल जुनासू मोटर मार्ग की सड़क रेल परियोजना के निर्माण कार्य की सड़कों की भेंट चढ़ रही है। यहां रेल परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निकल रहे मलबे को लोडेड डंपर वाहनों से डंपिंग जोन तक पहुंचाया जा रहा है, जिस कारण से डंपर के सड़क पर निरंतर चलने से यहाँ की मुख्य सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग कई बार सड़क की मरम्मत करवा चुका है, लेकिन वहीं इन खराब सड़कों पर सफर करना वाहन चालकों के लिए परेशानी बन रहा है। वाहन चालक सड़कों पर आवाजाही करके जख्मी हो जाते हैं। ऐसे में सड़क की मरम्मत को लेकर बार बार मांग उठाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि वो जल्द ही रेल परियोजना का कार्य समाप्त करके सड़क को सुधारेंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। बस आप चेची चूची लग रहे, जंप मार रही गाड़ी, खड्डे खुड्डे हैं, दिक्कत तो आ रही है गाड़ी चलाने में, धक्के धुक्के लग रहे, आप बुजुर्ग बुजुर्ग बैठे, दिक्कत आ रही है। इसमें कई दिक्कत आती है, बैलेंसिंग रोड वगैरह अलाइनमेंट वगैरह फर्क पड़ता है हमारा, चेचिस लग जाते हैं तो चेचिस में दिक्कत आ जाती है, छोटी ज्यादा दिक्कत है। एक चीज सरकार को क्या कहें, भाई साहब सरकार तो अपने ध्यान दे वही बहुत है। 10 से 11 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी वर्तमान में रेलवे का काम चल रहा है और उसमें भारी वाहन चल रहे हैं, भारी वाहन चलने के कारण काफ़ी रोड डैमेज है। उसी बारे में मैं इंस्पेक्शन पे गया था रोड के, और समय समय पे हम उसको भरते भी हैं, लेकिन वो फिर से क्योंकि बहुत भारी वाहन है वो चलते हैं और उसकी वजह से वो टूट जाता है, रोड की सीट खराब हो रखी है। तो क्या जैसे आप सुबह गिरने का रहता है, जब से ये पानी पूरी ज़्यादा पंप डाल देते हैं, ये पानी पूरी की वजह से हो रहा है ज़्यादा रोड। तो कहाँ तक है रोड ऐसी खराब हो रखी है पूरी? ये कंडी तक। कंडी तक? तो क्या चाहते हो आप लोग? बस सही हो जाए रोड। देखिए जो जनासू में और रेलवे के द्वारा और जो उनका डंपर जोन एक बना है वहाँ तक उनका आए दिन गाड़ियाँ जो डंपर चलते हैं उसमें मैंने पिछली बार संज्ञान लिया है, तो डीपीसी की मीटिंग में भी मैंने रेलवे वालों को बुलाया था और मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि इसको ठीक करो और इसका बजट जो भी होता है बनाओ। रोड तो हो ही रखी, जिस दिन से काम चल रहा तो खराब तो हो ही रखे, रेलवे वालों ने सारे मिट्टी डाल के पानी डाल के सारे फिसलन कई गिर रहे हैं यहाँ रोड पे। कार्य स्टार्ट हुआ है उस समय से ये रोड खराब हो चुकी है, इसमें फिसलन टू व्हीलर तो ऐसे फिसलते हैं जैसे कि मतलब चोट फटाक लगेगी, तो बहुत दिक्कतें हो रही है इस रास्ते पे। गाड़ियों की भी दिक्कत है, फोर व्हीलर की, छोटी गाड़ियों की भी, उसमें भी नुकसान होता है काफी।